शर्मनाक हार के बाद भड़क उठे ऑस्ट्रेलियन दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने बीजीटी की शुरुआत शानदार तरीके से किया है। पहले टेस्ट मैच को एक तरफा अंदाज में जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बुरी तरह से भड़क उठे हैं और उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया ने चौथे दिन पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। इस मैच में पूरी तरह से भारत का डोमिनेंस देखने को मिला। पहली पारी में भारत सिर्फ 150 रनों पर ऑल आउट हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 104 रनों पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। जायसवाल और कोहली के शतक के बदौलत भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 457 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और ऑस्ट्रेलिया को 534 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। तीसरे दिन के अंत तक सिर्फ 12 के स्कोर पर ही उन्होंने अपने 3 विकेट गवा दिए थे। वहीं फिर चौथे दिन भी भारत ने गेंद से जबरदस्त शुरुआत की। दिन के दूसरे ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा का विकेट झटक लिया। सिराज यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। हालांकि एक छोर पर ट्रेविस हेड ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें फिर मिचेल मार्श का भी अच्छा साथ मिला। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी, दोनों काफी तेजी से रन्स बटोर रहे थे, खास करके ट्रेविस हेड, वो अपने शतक के करीब थे। लेकिन फिर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने हेड को 79 रनों पर आउट कर दिया। इसके बाद डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी ने भी अपनी पहली विकेट हासिल कर ली। उन्होंने मिचेल मार्श को 47 रनों पर चलता किया। इस तरह 182 रनों के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर चुके थे। उन्हें अब भी जीत के लिए 350 से ज्यादा रनों की जरूरत थी और बचे थे सिर्फ 3 विकेट। भारत ने इसके बाद आखिरी 3 विकेट भी झटक लिए और पहले टेस्ट मैच को अपने नाम कर लिया। इस तरह भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बुरी तरह से भड़क उठे हैं और उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, टीम इंडिया ने इस मैच में पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने उनके ही घर में उन्हें हराया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए ये शर्मनाक है कि आप पहला ही टेस्ट इतनी बुरी तरह से हार रहे हो। अभी तो रोहित और गिल जैसे खिलाड़ियों का आना बाकी है, पता नहीं तब ऑस्ट्रेलिया की क्या हालत होगी। इसके बाद मैथ्यू हेडन ने कहा, सबसे पहले मैं टीम इंडिया को इस जीत के लिए बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और वो इस जीत को डिजर्व करते हैं। पहला टेस्ट जीतना बेहद जरूरी रहता है, क्योंकि उससे ही पूरी सीरीज डिसाइड होता है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब आई थी तब बहुत डिमोटिवेटेड थी, क्योंकि वो अपने ही घर में सीरीज हार कर आए थे, लेकिन अब इस जीत के बाद उन्हें इस सीरीज में रोकना बेहद मुश्किल होगा। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने बात करते हुए कहा, ऐसा लग रहा था भारत के सामने कोई डोमेस्टिक टीम उतरी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के सामने बेहद ही कमजोर नजर आए। जायसवाल ने क्या धोया है हमारे गेंदबाजों को, वही अब विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए हैं। भारत की तो ये मेन टीम भी नहीं है, इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया उनसे इतनी बुरी तरह से हार गए, ये बेहद ही शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया ये हार जल्दी भूल नहीं पाएगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा, हम भारत से लगातार 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारते आ रहे हैं। टेस्ट में इस टीम को हराना बेहद मुश्किल है। इनके पास अच्छे बल्लेबाज तो हमेशा से थे, लेकिन अब इनके पास खतरनाक तेज गेंदबाज भी है और इस अटैक को लीड करते हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। अभी तो अगले मैच में शायद मोहम्मद शमी भी आ जाएंगे, तब पता नहीं क्या ही होगा। ऑस्ट्रेलिया को अब यहां से सीरीज जीतना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। वही विराट कोहली भी अब फॉर्म में वापस आ गए हैं, वही इस मैच में काफी बार उन्हें कप्तानी करते हुए देखा गया। ऐसा लग रहा था मानो बुमराह नहीं कोहली ही कप्तान है, क्योंकि काफी बार उन्हें फील्ड सेट करते हुए गेंदबाजों को प्लान बताते हुए देखा गया, इसलिए भारत का हमें ये अग्रेसिव रूप देखने मिला। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों के टीम इंडिया की जीत पर। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।